नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला 12 मार्च को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। काफी रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। इससे पहले 4 मैचों की टेस्ट सीरीज दोनों टीमों ने आपस में खेली है, 3-1 से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। भाई यहां पर अब T20 फॉर्मेट में दोनों टीमें आमने सामने होने वाली, तो भाई पहला T20 मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। लेकिन भाई इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले इस मैच के रिगार्डिंग 5 बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनमें कुछ खुशखबरियां भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। जहां पर एक तरफ भारतीय टीम का नया ओपनिंग प्लेयर यहां पर रेडी कर लिया गया, वही दूसरी तरफ काफी सारे बड़े खिलाड़ियों का खेलना यहां पर संदिग्ध है। और उसके अलावा भी यहां पर इस मैच के रिगार्डिंग काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स हैं। और इस वीडियो में हम इन 5 ही खबरों के बारे में 1x1 पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि भाई इस T20 सीरीज में भारतीय टीम इंग्लैंड को बुरी तरह से हराए, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले से जुड़ी 5 ही बड़ी खबरों की। तो पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारतीय टीम की ओपनिंग पेयर को लेकर। जी हां, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने आधिकारिक तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बता दिया कि भाई पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ KL राहुल हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। शिखर धवन को पहले T20 मैच के लिए प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, और ऐसे में कहीं ना कहीं पहले T20 मैच में भारतीय टीम पूरी तैयारियों के साथ उतरने वाली है। KL राहुल और रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए हमें ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया के 2 युवा खिलाड़ियों को लेकर। जी हां, वरुण चक्रवर्ती और राहुल तेवातिया की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। दोनों ही खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड्स में शामिल किया गया था, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते भाई अब ये T20 सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो गए। इनको भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका यहां पर नहीं मिलेगा। दोनों के दोनों खिलाड़ी अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर करने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, जिसके चलते भाई अब ये दोनों खिलाड़ी T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है वेदर फोरकास्टिंग को लेकर। जी हां, वेदर रिपोर्ट्स यहां पर काफी ज्यादा खुश करने वाली है, क्योंकि भाई आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि वेदर यहां पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहने वाला है। मैच में हमें किसी भी टाइप की कोई भी बाधा देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल आराम से बिल्कुल ढंग से यह मैच होने वाला है। और भाई किसी भी टाइप का कोई भी इंटरप्ट हमें यहां पर इस मैच के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है इंग्लैंड टीम को लेकर। जी हां, इंग्लैंड टीम को यहां पर एक बड़ा झटका लग गया। आप सभी को पता है कि भाई जोफ्रा आर्चर फिलहाल इंजर्ड है, जिसके चलते भाई यहां पर टिल नाउ जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जोफ्रा आर्चर पहले T20 मैच में प्लेइंग 11 के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। और अगर यहां पर जोफ्रा आर्चर नहीं खेलते तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो भाई यह खबर निकल कर आ रही है टी नटराजन को लेकर। टी नटराजन फिलहाल NCA यानी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में है, जहां पर अभी तक वो बिल्कुल पूरी तरह से अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हो पाए हैं, पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते भाई इस T20 सीरीज के लिए टी नटराजन भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, ऐसी यहां पर रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये हमें 5 बड़ी खबरें जो इस महामुकाबले की रिगार्डिंग निकल कर आ रही। इन 5 ही खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।